अगेन प्रीवियस केस में डिस्कस किया था, इसके था प्रीवियस केस में लोकेशन को स्टार पी के थ्रू चेंज करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन एक्स के थ्रू चेंज करना पॉसिबल था। दिस इज द कंटिन्यूशन ऑफ प्रीवियस एग्जांपल्स। अगेन इस केस में फर्स्ट डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग क्रिएट हुआ लोकेशन एक्स वैल्यू एस 10, दिसको डजेंट कंटेनिंग एनी एरर। सेकेंड डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग क्रिएट हुआ वन मोर लोकेशन एस पी, एड्रेस समथिंग 100 और 98। पी के केस में साइन हो रहा है एड्रेस ऑफ एक्स विच इज 100, अब पी इज पॉइंटिंग लोकेशन एक्स, अब दिस वन लोकेशन इज ऑल्सो नॉन एज स्टार पी। इस पॉइंटर के रिस्पेक्ट में अगेन सेकेंड लोकेशन क्या क्रिएट हो रहा है स्टार पी। स्टार पी हमेशा उस लोकेशन का नेम होता है जिस लोकेशन का एड्रेस पी में स्टोर है, पी मीन्स पॉइंटर। नेक्स्ट वन, इस केस में टू लोग मीन्स एक ही लोकेशन के टोटल नेम्स कितने हैं टू, एक्स और स्टार पी। अगेन स्टार पी इज अ कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज अ सिंपल वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स चेंजेबल, मीन्स एक्स को चेंज करना पॉसिबिलिटी इज वैलिड ऑपरेशन। दैट्स वाई आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज एक्स और स्टार पी, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्स में क्या आसान हो रहा है फाइव। जब एक्स में फाइव आसान करेंगे तो इनडायरेक्टली स्टार पी का भी वैल्यू क्या है फाइव, मीन्स स्टार पी को इनडायरेक्टली चेंज करना पॉसिबल, लेकिन डायरेक्टली स्टार पी के साथ में असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई करना पॉसिबल नहीं। इसलिए आउटपुट क्या आएगा प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड स्टार पी, एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है करंटली फाइव, स्टार पी का वैल्यू क्या है ऑल्सो फाइव, दैट्स वाई आउटपुट इज फाइव फाइव। क्लियर। वन मोर थिंग, सपोज दैट अगर सेम केस में एक्स को डिक्लेयर किया गया होता बाई यूजिंग कॉन्स्ट, इस केस में दोनों लोकेशन कैसे क्रिएट होते कॉन्स्टेंट, एक्स का भी टाइप किया कॉन्स्ट और स्टार पी का भी टाइप किया कॉन्स्ट, इसलिए थर्ड ऑपरेशन कैसा हुआ इनवैलिड सेम एज। अगर मैं राइट डाउन करता हूँ स्टार पी इक्वल टू फाइव इट इज ऑल्सो इनवैलिड।